Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class computer science. Let's start our topic. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, online classes mein DPS Sahiwal mein aapko khushamdeed kaha jata hai. Aaj hum 9th class ka 4th lecture attend karenge. Unit number 1 problem solving ka आज फोर्थ लेक्चर है. इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, फिर इसी तरह से फ्लो चार्ट को हमने डिस्कस किया, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया. आज के इस लेक्चर में उन्हीं एग्जांपल्स का हम लोग अल्गोरिदम बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसी भी फ्लो चार्ट से अल्गोरिदम किस तरह से बनाया जाता है. इसी तरह से आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट डेटा और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को भी डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक और है जो सबसे एंड पे आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को नॉर्मली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स. अब जरा प्रीवियस लेक्चर को एक दफा हम नजर डालते हैं कि जो थर्ड लेक्चर हमने अटेंड किया था उसके अंदर किन किन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. एक तो हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को दोबारा डिस्कस किया था कि ग्राफिक्स की सूरत में जब हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है. फिर इसी तरह से फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स को डिस्कस किया था कि कौन सा सिंबल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है और उसके साथ फ्लो लाइन लगा के नेक्स्ट स्टेप पे किस तरह से जाया जाता है. फिर इसी तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे लेकिन उनको एल्गोरिथम की सूरत में डिस्कस करेंगे. जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्गोरिदम. डियर स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है कि मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसी के नाम से ये अल्गोरिदम नाम रखा गया है. और बेसिकली साइंस का रूल भी यही है कि जब आपने कोई भी काम करना हो तो उसके तमाम स्टेप्स को लिख लिया जाए, उसके सीक्वेंस को लिख लिया जाए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और एंड पे हमारा जिस वक्त रिजल्ट आएगा तब तक हमने किस लेवल तक पहुंचना है. अब इसमें जो एल्गोरिथम की डेफिनेशन है उसको जरा एक दफा देखते हैं. एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी We can follow the following steps. जी तो dear students, हम जरा एक दफा देखेंगे कि किस तरह से algorithm design किया जाता है और उसके लिए एक बड़ा common सा हमने topic discuss किया है, उसकी example ली है कि किस तरह से चाय बनाई जाती है, उसके कौन कौन से steps को हम लोग follow करते हैं. तो सबसे पहले definitely हम अपने काम का start करेंगे, जेहन बना लिया, बनाने के बाद हम start करने के बाद next क्या करेंगे कि हम kettle लेंगे. डेफिनेटली कैटल के अंदर वाटर और उसके साथ साथ जो जो लवाजमात है वो भी हमारे पास रेडी होने चाहिए. जब कैटल लिए तो उसके अंदर हम पानी डालेंगे. सो पोर वाटर इन इट. थर्ड स्टेप क्या है? पोर वाटर इन इट. अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि उस कैटल को आग के ऊपर रखेंगे. पुट द कैटल ऑन फायर. जिस वक्त बॉइलिंग शुरू हो जाएगी तो फिर उसके अंदर हम शुगर, मिल्क, टी, जो चीजें हमने इसके इंग्रीडियंट्स शामिल है वो डालेंगे. और लास्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि उस वक्त हम वेट करेंगे जब तक कि वो बॉइलिंग शुरू नहीं कर देता. वेट टिल इट बॉइल्स. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम जिस वक्त बॉइलिंग हो चुकी है, चाय बन चुकी है, तो हम उसको कैटल को फायर के ऊपर से, आग के ऊपर से नीचे उतारेंगे. उतारने के बाद उसको जिस फॉर्म में हमने डिसाइड किया उस फॉर्म में सर्व करेंगे. मीन्स के उसको हम किसी चाय के कप में डालेंगे. कप में डालने के बाद हम उसको सर्व करेंगे. ये था एक मुकम्मल अल्गोरिदम जो चाय बनाने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस में जब कोई भी प्रॉब्लम आता है उसका हम पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. उस सॉल्यूशन को फिर हम लोग एक सीक्वेंस से फॉलो करने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं. वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सीक्वेंस हम उस फ्लो चार्ट को सामने रख के
उसके मुताबिक अल्गोरिदम बनाएंगे, और यही वो अल्गोरिदम है। अब जिस वक्त प्रोग्रामर ने प्रॉब्लम को सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद उसका सोल्यूशन क्या निकालना है वो भी लिख लिया, फिर उसके उसने ग्राफिकल फॉर्म में एक मैप या एक फ्लो चार्ट भी बना लिया, फिर उसके बाद जो प्रोग्रामर है उसको एक सीक्वेंस भी देंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसने इस प्रोग्राम को कोड करना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी अल्गोरिदम की। अब हम जरा कंप्यूटर के रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि अल्गोरिदम की कंप्यूटर के रिलेटेड क्या क्या रोल है, रोल ऑफ अल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एन अल्गोरिदम हैज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन अल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समटाइम द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड द फ्लो चार्ट इनटू एन अल्गोरिदम। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, ये जरा इस पिक्चर में देखिए कि सबसे पहले प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को हमने बड़े डिटेल के साथ फाइंड आउट किया कि इसकी प्रॉब्लम के कॉजेज क्या क्या हैं। उन कॉजेज को हमने जब फाइंड आउट कर लिया तो उसका सोल्यूशन हमने एक फ्लो चार्ट की सूरत में बना लिया, फ्लो चार्ट बन गया। फ्लो चार्ट बनने के बाद अब जो प्रोग्रामर है वो अपना एक अल्गोरिदम बनाएगा उस फ्लो चार्ट को देख के कि मैंने किस किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर की मदद से। अब जब वो अल्गोरिदम बना लेगा, बनाने के बाद फिर वो कंप्यूटर ओपन करेगा, कंप्यूटर में जो उसने लैंग्वेज सिलेक्ट की है कोडिंग के लिए उस लैंग्वेज को ओपन करेगा और उस अल्गोरिदम के मुताबिक कोडिंग करना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे अल्गोरिदम उसको गाइड करता जाएगा, स्टेप्स बताता जाएगा, उन्हीं स्टेप्स के साथ साथ कोडिंग करता जाएगा, और जिस वक्त तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि अब मैं फोर्थ स्टेप में हूँ, मैं फाइव स्टेप में हूँ, अब मैं सिक्स स्टेप में हूँ, तो उन्हीं स्टेप्स के साथ साथ वो कोडिंग करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपना प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेगा। ये है रोल अल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। हम प्रॉब्लम उस बात को कहते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमने अपनी रिक्वायरमेंट को जब पूरा करना है तो उसको किस तरह से पूरा करना है और उस रिक्वायरमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उनको हमने सब के सब डिस्कस करने हैं। अब वो कंप्यूटर के रिलेटेड हो, मैथ के रिलेटेड हो, या किसी भी मैनेजेरियल प्रॉब्लम के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा स्टेप है आज के टॉपिक का, फॉर्मुलेशन ऑफ एन अल्गोरिदम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, कीवर्ड जिनको कहा जाता है, हम आम लैंग्वेज में उनको फॉर्मूला भी कह सकते हैं या हम लोग उसको शॉर्ट वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे लफ्जों में हमने एक बहुत बड़ा नाम रखा होता है। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस और कीवर्ड्स टू राइट एन अल्गोरिदम। अब वो कौन कौन से नोटेशंस हैं ये जरा वन बाय वन हम देखते जाते हैं। नोटेशन है स्टार्ट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अल्गोरिदम। एवरी अल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट। अब जाहिर सी बात है, जब अपने स्टार्ट करना है तो डिस्प्ले पे क्या आना चाहिए, हमसे जो कंप्यूटर है वो क्या डिमांड करे, हम उसको पासवर्ड देते हैं या यूजर नेम देते हैं या हमारी कंपनी का लोगो वहां पे बना हुआ आता है या जिस पर्पस के लिए वो प्रोग्राम बनाया गया है वो प्रोग्राम का डिस्प्ले आता है कि ये किस पर्पस के लिए, हॉस्पिटल के लिए है या बिजनेस के लिए है या किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री के लिए है, तो वो डिस्प्ले पे आ जाएगा कि ये वाला प्रोग्राम किस पर्पस के लिए, तो उसी को हम स्टार्ट कहेंगे और अल्गोरिदम में स्टार्ट मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद है इनपुट। इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम्स। अब कुछ नाम हमने रखने होते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिक्वायरमेंट लेते हैं कि एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम पूरे का पूरा वर्ड एज ए निकनेम या एज ए वेरिएबल नहीं लिया जा सकता, हम एन ए एम सिर्फ ये वाला नेम रख सकते हैं। तो ये नेम हमें मेंशन करना पड़ता है इनपुट के अंदर कि इनपुट में हमने कौन कौन से नाम रखे हुए हैं और उनका पर्पस क्या क्या है, ताकि हमें एंड तक पता हो कि कौन सा वेरिएबल या कौन सा निकनेम हमने किस पर्पस के लिए रखा हुआ है। फिर इसी तरह से थर्ड है सेट। इट इज यूज्ड टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी
It is also used to update the value of existing data. अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हमने नॉर्म सेट कर दिए हैं उनको हमने कंप्यूटर मेमोरी में भी तो स्टोर करना है ना। फिर इसी तरह से फोर्थ नोटेशन है इफ एल्स, कंडीशनल नोटेशन जिनको कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन, फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी। अब ये कंडीशन है कि ए बी से छोटा है, अब हमें ए और बी की वैल्यूज का भी तो पता होना चाहिए। अ कंडीशन इज एवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। अब जाहिर बात है कि हमने एक कंडीशन दी है कि ए लेस देन बी है, अब या तो ए लेस देन बी होगा या नहीं होगा, मींस के ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन केस द कंडीशन इज ट्रू, देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड अदरवाइज। अब देखें, अगर तो डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू हो गई तो जो उस कंडीशन की बेस पे हमने आंसर रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, तो फिर जो उसके एल्स पे रखा हुआ पार्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ए लेस देन बी अगर है तो वो मेंशन कर देगा कि ए इज लेस देन बी, और अगर ए लेस देन बी नहीं है तो वो फिर मेंशन कर देगा कि बी इज नॉट लेस देन ए। अब इसमें यूजेज किस तरह से होगी, सपोज ए इज 5 एंड बी इज 7, इफ ए लेस देन 5। अब देखिए गौर से, हमने ए को 5 के इक्विवेलेंट कहा है और ये साथ में हमने स्टेटमेंट दे दी कि इफ ए इज लेस देन 5 सेट सी टू 10, तो फिर हमारा आंसर आए 10, एल्स सेट सी टू 20, अदरवाइज वो 20 हो जाए। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो आंसर आएगा 10, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स की सूरत में आंसर 20 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो एल्स पार्ट है वो ऑप्शनल है, कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर एल्स की जरूरत ही नहीं, और अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स की जरूरत पड़ेगी, और एल्स की सूरत में जो हमने इसको कंडीशन दी हुई है वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट नोटेशन है गो टू। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इट इज यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स क्या होती है, बार 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 किसी हम डाटा को लेते हैं, हम लेट्स सपोज 10 टाइम किसी स्टूडेंट के नेम को लेना है किसी क्लास के अंदर से। अब स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट नेम 10 टाइम हमसे पूछता है, तो 10 टाइम लूप चलेगा, 10 दफा वो लूप चलेगा। तो लूप का मतलब ही यही है कि एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब जब वो 10 टाइम लूप चल गया, चलने के बाद उसने बार बार वो डाटा 10 टाइम ले लिया, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट में तो देख चुके हैं, आज हम एल्गोरिथम के अंदर इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट नोटेशन है आउटपुट। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यू। अब जाहिर सी बात है, जब हमने उसको इनपुट दिया है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको कंडीशंस भी लगा दी हैं, कंडीशन लगाने के बाद उसको हमने किसी जगह अगर रेफर करना है वो भी कर लिया, मींस कि हमने तमाम अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो फिर जो हमारा काम है उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट की सूरत में आएगा। तो जो आउटपुट हमने जिस स्टेटमेंट के साथ रिक्वायर होती है, जो हमने फॉर्मूलाज लगाए हैं, उसी के मुताबिक आउटपुट आएगा। और लास्ट इसमें स्टॉप। इट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम शुरू किया है तो स्टार्ट भी है, डेफिनेटली जब उसको एंड करेंगे तो वहां पे स्टॉप मेंशन करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप मेंशन करना जरूरी है ताकि प्रोग्रामर को पता चले कि कहां से एल्गोरिथम शुरू हो रहा है और कहां पे एल्गोरिथम एंड हो रहा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स वही हैं जो आपने पीछे वाले लेक्चर में फ्लो चार्ट में देखी थी, अब उसी को आप जहन में रखें, अगर जरूरत पड़े तो थर्ड लेक्चर को एक दफा दोबारा देख लें आप, ताकि फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। ये देखें पिक्चर के अंदर, कि एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसको मास भी दिया जा रहा है और फोर्स भी दी जा रही है। अगर फोर्स हम बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली मास भी इसका बढ़ जाएगा,
तो इसके लिए हमने एल्गोरिथम क्या तैयार किया। पहला स्टेप डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे और ये हर एल्गोरिथम के साथ मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद है इनपुट नंबर्स, किस किस के नंबर हमने एंटर करने हैं, मैस और फोर्स के, जैसे हमने नोटेशंस में पढ़ा था कि वो जो इनपुट है वो डेफिनेटली यूजर की तरफ से दी जाएगी, प्रोग्रामर उनको वैल्यूज के तौर पर लेगा और बाद में उसके ऊपर कोई फंक्शन या कोई ऑपरेशन या कोई कंडीशन अप्लाई करेगा। अब हमने स्टेप नंबर टू पे इनपुट नंबर्स ले लिए मास और फोर्स की सूरत में, और स्टेप नंबर थ्री में सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये फॉर्मूला है कि जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दें। अब जब फोर्स को फोर्स की जो भी वैल्यू दी हुई है उसको जब मास से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो उस एक्सेलरेशन को हमने स्टेप नंबर फोर पे आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले पे दे दिया। ये एग्जैक्ट वही फ्लो चार्ट वाला स्टेप है कि पहले उसमें हमने स्टार्ट किया था, फिर उसके ऊपर हमने इनपुट सिंबल यूज किया था, फिर प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया था, फिर आउटपुट ली थी और उसके बाद हमने उसको एंड किया था। तो यहां पे भी स्टेप नंबर फाइव में उसको एंड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आपने एक चीज नोट की होगी कि यहां पे टोटल फाइव स्टेप्स। अब इन टोटल फाइव स्टेप्स को जब कोई भी प्रोग्रामर एक नजर देखेगा तो अल्टीमेटली वो सारे का सारा प्रोग्राम जेन में दौड़ा लेगा और विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू मिनट्स इवन वो इस प्रोग्राम को बना लेगा। लेकिन ये एग्जांपल अभी जरा सिंपल सी है, थोड़ी सी इससे टफ एग्जांपल दे जाते हैं। ये आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ ली हुई है। एग्जाम्पल क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या है ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था फ्लो चार्ट के अंदर। अब उसी फ्लो चार्ट के मुताबिक हमने एल्गोरिथम बनाना है क्योंकि एल्गोरिथम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। वही स्टेप्स जो फ्लो चार्ट में थे वही हम एल्गोरिथम में यूज करते हैं। तो पहला स्टेप है डेफिनेटली स्टार्ट किया, फिर उसके बाद इनपुट नंबर्स, बेस एंड हाइट, जो इसकी बेस है वो और उसकी हाइट वो दोनों के दोनों हम उनकी वैल्यूज को देंगे इनपुट के तौर पर। और जब हम इनपुट देंगे तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी स्टेप नंबर थ्री में। स्टेप नंबर थ्री क्या करेगा, सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको फॉर्मूला एरिया कि हमने जब एरिया फाइंड करना है तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। अब हम स्टेप नंबर फोर में उसकी आउटपुट लेंगे। अब जो आउटपुट है डेफिनेटली जो एरिया हमने फाइंड किया है पैरेललोग्राम का वही आएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी आउटपुट के तौर पर और हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। जिस वक्त हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके साथ एल्गोरिथम देने का पर्पज यही होता है कि वो सीक्वेंस को हमें बताता है और उसके मुताबिक हम प्रोग्राम को बनाते हैं। अब जरा एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि हमें इसमें स्टेप्स को बढ़ाना होगा क्योंकि इसमें हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। रिक्वायरमेंट क्या है, टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द थ्री गिवन नंबर्स। अब जो थ्री नंबर दिए हुए हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो फाइंड करना, और ये जहन में रहे कि नंबर आपने डिफरेंट देने, 9, 7, 8 ये डिफरेंट नंबर्स, 7, 7, 9 डिफरेंट नहीं है, 7 दो दफा आ गए तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये जहन में रखें कि आपने जिस वक्त थ्री वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है और उसमें से लार्जर को फाइंड करना है तो वो तीनों की तीनों डिफरेंट हो। अब इसका एक दफा एल्गोरिथम देखते हैं। स्टार्ट किया इनपुट नंबर्स N0, N1, N2, ये तीन नंबर्स हैं, एक का नाम N0 दिया गया, एक का नाम N1 दिया गया और एक का नाम N2 दिया गया। अब इस इनपुट के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हमने सपोज कर लिया कि जो सबसे बड़ा इसमें से डिजिट है वो N0 है, इसको हमने लार्ज कंसिडर करना है क्योंकि जो सबसे पहले आएगा हमारे जहन में तो यही होगा कि मे बी यही लार्ज हो, तो हमने उसी को लार्ज कंसिडर किया और कंसिडर करने के बाद स्टेप नंबर फोर में उसको कंपेयर किया N1 के साथ, यानी कि सेकंड वैल्यू के साथ। इफ N1 ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि अगर N1 N0 से बड़ी है, वो जो लार्ज हमने रखा था ना वो N0 को रखा था, इफ N1 ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू N1। अब देखें कंपेयर उसने कर लिया कि अगर तो N1 N0 से मींस के लार्ज से
बड़ी हो गई है तो फिर लार्ज अब कंसिडर होगा एन वन, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट अगेन वो अगेन एक कंडीशन अप्लाई करेगा इफ एन टू ग्रेटर देन लार्ज। अब उन दोनों में से जो भी लार्ज डिसाइड हुआ था, बेशक वो एन जीरो था या एन वन था, जो भी डिसाइड हुआ था उसको भी कंपेयर कर रहा है एन टू के साथ कि अगर एन टू ग्रेटर है लार्ज से तो फिर क्या करेगा, एन टू को लार्ज डिक्लेयर कर देगा। पर अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो ऊपर जो ऑलरेडी कंडीशन पूरी हो चुकी है वही हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली जो इन दोनों में से लार्ज वैल्यू सिलेक्ट हुई है वो आउटपुट में लार्ज के नाम से डिस्प्ले पे आ जाएगा, हम उसको डिस्प्ले पे देंगे और डिस्प्ले पे देने के बाद इसका एंड कर देंगे। अब इस एग्जांपल को आपने पिछले लेक्चर में फ्लो चार्ट के अंदर देखा था तो वहां पर स्टेप नंबर फोर और स्टेप नंबर फाइव दोनों पे डिसीजन मेकिंग सिंबल अप्लाई हुआ था क्योंकि दोनों डिसीजन मेकिंग पे आ गए, दोनों के दोनों इफ कंडीशन पे आ गए। अब इफ के बाद जो भी सिलेक्ट होगी वो हमारी आउटपुट कहलाएगी। अब इस एल्गोरिथम के अंदर हमने थ्री गिवन नंबर्स को डिस्कस किया, तो डियर स्टूडेंट्स मेरा ये ख्याल है कि आप लोग एल्गोरिथम के बारे में और उसके स्टेप्स के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी अगर किसी जगह पर कोई एम्बिग्युइटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर मजीद एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं उनको आप एक दफ़ा देखें, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स करें, हमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें कि सर इसका क्या मतलब है, तो डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर करेंगे। अदरवाइज कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखना होता है कि एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होता है। एक शुरू में मैंने एग्जांपल बताई थी हाउ टू मेक अ टी, कि आपने चाय किस तरह से बनाना, कुछ जगहों पे वाटर जिस वक्त कैटल में डाला जाता है, डालने के बाद पहले वाटर को बॉइल किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें टी स्पून डाला जाता है यानी कि पत्ती डाली जाती है, जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है फिर उसमें मिल्क और फिर उसमें शुगर डाली जाती है। अब एक तो तरीका कर ये हो गया ना कि पहले पानी को गर्म करें फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में उसमें पत्ती को डालें फिर उसके बाद आप उसके अंदर मिल्क को डालें फिर उसके बाद आप उसके अंदर शुगर को डालें, तो ये चार स्टेप्स बन जाते हैं। एफिशिएंट एल्गोरिथम वही होता है जिसमें इख्तसार, लेकिन वो मतलब जाने दे, मींस के थोड़े स्टेप हो और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अब जरा देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम होता क्या, देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। देखिए वही बात आ गई कि एक से ज्यादा एल्गोरिथम बन सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। विच वन इज बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन। अब उन दोनों में से या तीनों में से ये जितने भी एल्गोरिथम बनाए हैं उनमें से एफिशिएंट कौन सा, बेहतर कौन सा, हमने उसको फॉलो करना। विच वन इज बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिक्स। अब जो टू मैट्रिक्स हैं उन वो कौन कौन से हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, उनमें सबसे पहला तो है नंबर ऑफ स्टेप्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस वक्त आपने चाय बनानी है तो आपने उसके कितने स्टेप रखने हैं, थोड़े रखने हैं ज्यादा रखने हैं, जो रिक्वायर है वो तो लाजमी रखनी है। अब उसमें अगर आपने कोई स्टेप एक्स्ट्रा डालना है कि जी आप चाय का कप भी लेके आए, चाय के कप को रखें फिर उसको आप जो चाय है उसके अंदर पोर करें फिर उसको आप किसी डिश में रखें फिर लेके जाए, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट्स। थोड़े से थोड़े स्टेप्स हो आपका रिजल्ट डिस्प्ले पे आ जाए, स्टेप्स का थोड़ा होना जरूरी है लेकिन इतने थोड़े ना हो कि जो जरूरी स्टेप्स हैं वो इग्नोर कर दिए जाए, जितने स्टेप्स रिक्वायर हैं उतने ही स्टेप्स रखें, वही एफिशिएंट एल्गोरिथम कहलाता है। इसी तरह से एक और कंडीशन है एफिशिएंट एल्गोरिथम की,
स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी किस तरह से, वी हैव ऑब्जर्व इन एल्गोरिदम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज लेटर यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स, एंड एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका एफिशिएंट एल्गोरिदम वो होगा जो कंप्यूटर के ऊपर बर्डन कम डाले। कम से मुराद ये है कि आपने जितने भी उसके अंदर स्टेप्स रखे हैं उनमें इतनी ज्यादा वेरिएबल्स की और डाटा की एंट्री ना करें कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो और ऐसा एल्गोरिदम बने जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते वक्त ज्यादा कोडिंग की तरफ ना लेके जाए। रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, रिक्वायरमेंट्स ना हटे, लेकिन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए उसको एक्सटेंड ना कर दे कि आपकी मेमोरी बढ़ जाए और आपका कंप्यूटर बर्डनाइज्ड हो जाए। ये था आज का लास्ट टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हमने एल्गोरिदम को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को देखा, उसकी नोटेशंस को देखा, उसकी एफिशिएंसी को देखा और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। उन एग्जांपल्स के अंदर हम उन तमाम टर्मिनोलॉजीज को भी यूज किया जो हमने उसके नोटेशंस में या कीवर्ड्स में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के बारे में अजीज तलबा हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप ऑनलाइन क्वेश्चंस के ज़रिए से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।